गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कंसेप्ट को समझेंगे। ये बहुत ही आसान कंसेप्ट होता है, लेकिन बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों के सारे डाउट दूर हो जाएंगे। चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट क्या होता है, और अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके डाउट भी दूर हो सके और वे भी इस कंसेप्ट को क्लियर कर सके। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लेते हैं, अगर हमारे पास दोनों इंटीजर्स प्लस में हैं तो हम उनको करेंगे ऐड। क्या करेंगे? ऐड। नेक्स्ट, अगर हमारे दोनों इंटीजर्स माइनस में हैं तो हम उनको ऐड तो करेंगे, पर निशान हमारा किस चीज़ का रहेगा? हमेशा माइनस का। थर्ड है, अगर हमारे एक इंटीजर्स प्लस में हैं और एक माइनस में है तो क्या होगा? हम उनको सब्ट्रैक्शन तो करेंगे, पर निशान कौन सा लगाएंगे जो उन दोनों में ज़्यादा है? अगर हमारे प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का साइन लगेगा, अगर हमारे माइनस के ज़्यादा है तो हमारा माइनस का साइन लगेगा। नेक्स्ट, अगर हमारा फर्स्ट इंटीजर माइनस है और सेकंड प्लस है तो भी हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। पर निशान हमेशा वो होगा, अगर हमारे माइनस के ज़्यादा है तो माइनस, प्लस के ज़्यादा है तो प्लस। अगर दोनों प्लस हैं तब भी हम ऐड करेंगे, दोनों माइनस हैं तब भी हम क्या करेंगे? ऐड। नेक्स्ट, अगर एक प्लस है एक माइनस है तब भी हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, अगर हम एक माइनस है एक प्लस है तब भी हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। पर निशान हमेशा वो लगेगा जो इन दोनों में ज़्यादा है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि हमारे पास एक है माइनस फाइव, दूसरा है हमारे पास माइनस का सिक्स, और इन दोनों को हमें क्या करना? ऐड। तो हम कैसे करेंगे? अभी मैंने बताया था अगर हमारे दोनों माइनस के हैं तो क्या होगा? ऐड। तो फाइव और सिक्स क्या हो जाएंगे? हमारे इलेवन। पर निशान हमारा क्या रहेगा? हमारा हमेशा माइनस। सेकंड है, अगर हमारे पास एक सिक्स है और एक सेवन है और हम उन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? थर्टीन। और निशान क्या रहेगा? प्लस। क्यों? क्यों? क्योंकि दोनों हमारे किस चीज़ में है? प्लस में। थर्ड है, अगर हमारा एक सेवन है और एक है हमारा माइनस फोर और हम दोनों को क्या करें? प्लस। तो क्या होगा? अभी बताया था मैंने, अगर हमारा एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। तो क्या होगा? स्क्वायर में से फोर गए थ्री। निशान किस चीज़ का आएगा? क्योंकि यहाँ हमारे प्लस के ज़्यादा, तो क्या आएगा? प्लस। प्लस का निशान हम आगे कभी भी नहीं लिखते। फोर्थ है, अगर हमारा एक है माइनस एट और एक है हमारा प्लस फोर तो क्या होगा? अभी मैंने बताया था अगर हमारा एक माइनस है और एक प्लस है तो हमेशा क्या होगा? हमारा सब्ट्रैक्शन। तो एट में से फोर गई तो हमारा क्या आएगा? फोर। निशान किस चीज़ का आएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे माइनस की ज़्यादा, तो क्या आएगा? माइनस। नेक्स्ट है, अगर अभी तो हमने सिर्फ दो के सीखे, अगर हमारे पास हो एक फाइव, एक माइनस सिक्स, एक फोर, तो इसमें क्या होगा? हम क्या करेंगे? प्लस प्लस को क्या कर देंगे? ऐड। तो क्या होगा हमारे पास? फाइव प्लस फोर नाइन, और इसमें से किसको लेस कर देंगे? थ्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? थ्री। नेक्स्ट है, अगर हम ब्रैकेट लेके चलते हैं, फाइव माइनस सिक्स प्लस, ब्रैकेट के अंदर है हमारा माइनस फोर, तो हम कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो प्लस है तो अंदर के निशान चेंज हमारे नहीं होंगे, तो आ जाएगा माइनस फोर। तो माइनस में माइनस ऐड होगा और प्लस में प्लस, तो फाइव प्लस और फोर सिक्स और फोर टेन, यहाँ पे किस चीज़ के ज़्यादा है? हमारे माइनस के। तो आंसर आ जाएगा हमारा माइनस के फाइव। नेक्स्ट है, अगर हमारा ब्रैकेट के बाहर भी माइनस हो और अंदर भी माइनस हो तो कैसे सोल्व होगा? तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सोल्व, माइनस है, जब भी बाहर माइनस होता है तो अंदर के निशान हमारे क्या हो जाते हैं? चेंज, हमारे चेंज हो जाएंगे। तो माइनस है तो क्या आ जाएगा? ये हमारा प्लस। फिर प्लस में हमारा प्लस ऐड हो जाएगा, तो फाइव प्लस नाइन क्या हो जाएगा? हमारा फोर्टीन। में से सेवन को लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सेवन। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।